एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गेरी लैन और उनके परिवार के लिए जीवन संतोषप्रद लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नाश में बदल दिया है बमसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में अराजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूत पूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले शरों के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोगजनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताज़ा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान धान, खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरिलेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडेलिफिया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबीज जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थिएरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर जराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दर्शवे आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी के खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखें। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वार जेड टू थाउजेंड थर्टीन की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल कडहारन डू कोडार्ड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनहन जे माइकल स्ट्रेजिस की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइज जेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्रैड ब्रेड डे डेडे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स बेजटेल फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन सेरसिन एडिट की है रॉगर बर्टोन मैटिस और म्यूजिक दिए है मार्को बेल्ट टमी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर रिटेड है जूम टू टू थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सिनेमाज और टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर्टी मिली फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस लेन, लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लूदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मोकान फाना मोकाना थियरी थियरी यूमोमोथेन एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियोफास फास्ट बैक के रूप डब्ल्यू यू एच डॉक्टर के रूप में रुथनेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरित डबल यू जे ओ डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू जो डॉक्टर के रूप में पीटर कैफलिट यही सबका कष्ट किए हैं चलिए एलिफ्रेंड इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग फिफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन, लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा सात इसका फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग

इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के प्रेषक गेरीलैन और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र लाश में बदल दिया है बमसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में अराजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है। वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सर, सरों के माध्यम से नेवी गेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताज़ा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को, लोगों को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान धान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद लेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फ़िलाडेल्फ़िया में समर्पित करते हैं जब कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं। गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहीस में शामिल होते हैं, जहां एक दुष्ट एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इसराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दसवे आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार यरूशलेम को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए मैथ्यू माइकल डू कोडार्ड डेविड लिडे लॉफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाह जे माइकल स्ट्रेजिस्की की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइज बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड डे डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरियल एनोश, जेम्स बेस्टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन सेन एडिट है। रॉगर बर्टोन मैटीस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन का कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है पर माउंट पिक्चर जून टू टू थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सीनेज और रनिंग टाइम है मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन 19... नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल लेन गैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लुदी बोकेन के रूप जो ग्रेन वार्मब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ प्रशिक्यूमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मुकान, फाना मोकाना थियरी थियरी यूमोथेन एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गेरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मॉर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप डब्ल्यूएच एच डॉक्टर के रूप में रूथ डब्लू एच डॉक्टर के रूप में मोरितज बल बेट्यू डबल यू जे डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू जे डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब मूवी कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग्स हैं फर्स्ट सॉन्ग फिलाडेलीफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड निंजा सात तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग अन एनजे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोच मेल क्लास इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड सेवेंथ सॉन्ग सॉपन नाइस का लेंथ है टू मिनट फोर्टी नाइन सेकेंड एट सॉन्ग नो टीट नो बाइट इसका लेंथ है एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका लेंथ है फाइव मिनट एट सेकेंड इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गेरी गेरीलैंड और उनके परिवार के लिए जीवन संतोषप्रद लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र मज, में बदल दिया है। अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले खतरों और लंबी को दूर करने के लिए खोजने होंगे। जब संयुक्त राष्ट्र के गेरी और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में जकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल ले रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोत को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गैरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों से सरों के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताजा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद लेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबीज जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमोटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इसराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दसवें आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार यरूशलेम को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड 2013 की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए मैथ्यू माइकल कन्हहारन डू कोडार्ड डेविड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कना जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है जेरेमी कॉलेनर इन ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है पिट मेरिल एनोस जेम्स मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेटोग्राफी दिए है बेन से एडिट की है रॉगर बर्टोन मैटिस और म्यूजिक दिए है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर रिटेड है जून टू टू थाउजेंड थर्टीन सिनेमाज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन mm, सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है eight, million, five, five और इस मूवी को कास्ट किए हैं मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस कैरिन लेन कैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डैनियल कर्टेज सीजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लुदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मुकान... फाना मोकाना थियरी, थियरी मो, मो एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मॉर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में रूथ नेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरितबल यू जे डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू जे डॉक्टर के रूप में पीटर कैफलेट यही सबका कष्ट किए हैं चलिए इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी तो में टोटल इलेवन सॉन्ग हैं फर्स्ट सॉन्ग फिफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग नीजा फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग अन एनजे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोच मेल लास्ट इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकंड सेवेंथ सॉन्ग सॉप कांग नो टीट नो बाइट इसका मोच द्वारा no no इसका एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के प्रवेषक गैरीलैन और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नस मज लाश में बदल दिया है बमुशिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में आरजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल ले रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके को रुकता है। इसकेश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गैरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों शहरों सर के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताज़ा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को, लोगों को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान धान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद लेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फ़िलाडेल्फ़िया में समर्पित करते हैं जब कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहीस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इजराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दर्शवे आदमी के पास एक अस्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार यरूशलेम को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल कनहारन डू कोडार्ड डेविड लिडेलोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाह जे माइकल स्ट्रेजिस की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड डे डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स बेस्टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दिए है बेन एडिट की है रॉगर बार्टोन मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर जून टू टू थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सिनेमाज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन 19... नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव फाइव हंड्रेड फोर मिली फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल लेन गैरी लैन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल के रूप जो ग्रेन वार्मब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मोकान फाना मोकाना थियरी थियरी यूमोथेन एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो बैक के रूप में, डब्ल्यूएच डॉक्टर के रूप में रुथनेगा डब्लूएच डॉक्टर के रूप में मोरिटज़ बल बेट्टियों डबल यूज़ और डॉक्टर के रूप में डबल यूज़ डॉक्टर के रूप में पीटर कैपिलिट यही सब क्रिश्मूवी कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग्स फर्स्ट सॉन्ग फिलाडेलीफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग नीजा सा इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग अन एनजे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोच मेल क्लास इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड सेवेंथ सॉन्ग सॉप ना इसका नाइन सेकेंड एट सॉन्ग नो टिट नो बाइट इसका लेंथ है थ्री मिनट ट्वेंटी फाइव सेकंड नाइन्थ सॉन्ग मोच द्वारा इसका लेंथ लेंथ है है मिनट मिनट सॉन्ग सॉन्ग वेल्स इसका 5 22 song, एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका लेंथ है फाइव मिनट एट सेकेंड इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गेरी लेन और उनके परिवार के लिए जीवन संतोषप्रद लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्ट है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र मज, में बदल दिया है। अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में जकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल दे रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गैरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले सरों के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं, लगातार ताजा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को, लोगों को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है। एक व्यवहार्य समाधान धान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी। है। क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरिलेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडेल्फिया में समर्पित करते हैं जब कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहीस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इसराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दसवे आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेट टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए मैथ्यू माइकल क्डारन डू कोडार्ड डेविड लिडे लॉफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाहर्न, जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइज जेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड डे डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरियल एनोस जेम्स बेज टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन शेरसिन एडिट की है रॉगर बर्टोन मैटिश और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर रिटेड है जूंगा थर्टीन एम्पायर सीनेमज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर्टी मिली फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पिट मेरिल एनोस कैरिन लेन कैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सीजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लुदी बोकेन के रूप जो ग्रेन वार्मब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मुकान... फाना मोकाना थियरी, थियरी मु, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गेरी के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में रूथ नेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरितबल यू जो डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सबका कष्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी है। में टोटल इलेवन सॉन्ग हैं फर्स्ट सॉन्ग फिफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर फुर्ट सेकेंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग

इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लैन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के प्रवेषक गैरीलैंड और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नसमज लाश में बदल दिया है बमुशिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में अराजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है। वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों शहरों सर के माध्यम से करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे को मिटा देते हैं लगातार ताजा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को, लोगों को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद लेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडेलिफिया में समर्पित करते हैं जब वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमोटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोही में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इजराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दर्शवे आदमी के पास एक अस्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार यरूशलेम को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखें चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल डू कोडार्ड डेविड लिडेलोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाह जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड डे डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स बेजटेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दिए है बेन एडिट की है रॉगर बर्टोन मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पर माउंट पिक्चर जून टू टू थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सिनेमाज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस कैरिन लेन कैरी कैरीलैन की पत्नी और राहुल और कॉनी की मां के रूप में डैनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन एसपी के रूप में जेम्स बेस्टेल लुदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मुकान... फाना मोकाना थियरी, थियरी मो, मो एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में रू नेगा डब्ल्यू एच ओ डॉक्टर के रूप में मोरितबल यू जो डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू एच ओ डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब किए हैं एलिफ्रेंड इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल एलेवन सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग फिफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा सात इसका टू मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग एनजे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोच मेल इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेवेंथ सॉन्ग सॉप सॉन्ग नो टीट नो बाइट इसका मोच द्वारा no no इसका लेड्रेड ट्वेंटी फोर सेकंड टेंथल्स कालेवेंथ सॉन्ग एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका फाइव मिनट एट सेकेंड इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के प्रवेषक गेरीलैंड और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र लाश में बदल दिया है बमुशिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में अराजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले सरों के माध्यम से नेवी गेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोगजनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताजा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरीलैन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडेलिफिया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गहरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सी एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इसराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दसवें आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी के खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वार जेड 2013 की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल कडॉर्न डू कोडार्ड डेविड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाहर्न जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड पिट डे डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन शेरसिन एडिट है रॉगर बर्टोन मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हमिश फेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पर माउंट पिक्चर थर्टीन एम्पायर सिनेज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है eight, million, five, five और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस कैरिन लेन कैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल, लुदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स, फाना मोकाना मुकान... थियरी थियरी मो, मो एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मॉर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में रोज नेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरितबल यू जे ओ डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब कस्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग्स हैं फर्स्ट सॉन्ग फिला डेलीफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा सात तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री फिफ्थ सॉन्ग

इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लैन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के प्रवेषक गैरीलैंड और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक से है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र लाश में बदल दिया है बमसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले सरों के माध्यम से नेवी गेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताजा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरिलेन अपना समय पत्नी गैरिन को फ़िलाडेल्फ़िया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गहरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहाँ एक दुष्ट सी आई ए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इज़राइल के लिए जहाँ एक मोशाद विपरीत दसवें आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी के खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार यरूशलेम को खड़ा करने की दूरदर्शित थी एक मरे हुए को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड 2013 थर्टीन की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाहरन डू कोडार्ड डेविड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाहरन जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है पिट मेरिल एनोस जेम्स बेस्टेल में थी फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन शेरसिन एडिट की है रॉगर बर्टोन मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पर माउंट पिक्चर एडिटेड है जूंग टू तू, टू तू, थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सिनेमाज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन से टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर्टी मिली फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल लेन, गैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लुदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ प्रशिक्यूमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मुकान, फाना मोकाना थियरी थियरी यूमोथेन मु, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास फासबैक के रूप में डब्लू यू एच डॉक्टर के रूप में रुथनेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरित डबल यू जे डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब कुछ मूवी काश्त किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी है है। में टोटल इलेवेन सॉन्ग्स फर्स्ट सॉन्ग फिलाडेल्फिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकंड सेकंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवेंस सेकंड थर्ड सॉन्ग निंजा सात तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग जे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोचमेल इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड सेवेंथ सॉन्ग सॉपेना इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी नाइन सेकेंड एट सॉन्ग नो टीट नो बाइट इसका लेंथ है थ्री मिनट ट्वेंटी फाइव सेकेंड नाइन्थ सॉन्ग मोच द्वारा इसका लेंथ मिनट ट्वेंटी फोर सेकंड टेन सॉन्स इसका लेंथ फाइव मिनट ट्वेंटी टू सेकेंड एवन सॉन्ग एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका लेंथ फाइव मिनट एट सेकेंड इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गेरी लैन और उनके परिवार के लिए जीवन संतोषप्रद लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नस मज लाश में बदल दिया है बमसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक है, जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में आरजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूत। महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झूंड वालों सरले शरों के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोगजनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताज़ा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान धान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है। क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरिलेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिफिया में सम्प्रित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबीज जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इज़राइल के लिए जहाँ एक मोशाद विपरीत दसवें आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी के खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वार जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल कनहारन डू कोडार्ड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाय मैक्स ब्रूक्स और, और प्रोड्यूस की है ब्रेड पिट डेडे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन सेरसिन एडिट की है रॉगर बार्टन, मैटिस और म्यूजिक दिए मार्को बेल्ट और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर जून टू टू थाउजेंड थर्टीन एंपायर सिनेमाज और रनिंग टाइम वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर्टी मिली फाइव फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस लेन, लेन की पत्नी और राहुल और कॉनी की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सीजन के रूप में कैप्टन एसपी के रूप में जेम्स बेस्टेल लूदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना, मोकान, फाना मोकाना थियरी थियरी यूमोथेन एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गेरी के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में रुथनेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरित डबल यू जे ओ डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू जे डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब कस्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग है फर्स्ट सॉन्ग फिफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग तो इसका फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग एनजे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स मेल लास्ट इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड सेवेंथ सॉन्ग सॉप का टू मिनट फोर्टी नाइन सेकेंड एट सॉन्ग नो टीट नो बाइट इसका मोच द्वारा no no इसका फोर मिनट ट्वेंटी फोर सेकंड एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रो कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गैरी लैन और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र लाश में बदल दिया है बमसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लैन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले शहरों के माध्यम से नेवी गेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोगजनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताजा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद लेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडेलिफिया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहीस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इजराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दर्शवे आदमी के पास एक अस्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल क्डारन डू कोडार्ड ल, लिडे लॉफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाहर्न, जे माइकल स्ट्रेजिस की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड डे डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरियल एनोस जेम्स टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन सेरसिन एडिट की है रॉगर बर्टोन मैचिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर रिटेड है जूंगा थर्टीन एम्पायर सिनेज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस कैरिन लेन कैरी लैन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डैनियल कर्टेज सीजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लुदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मुकान... फाना मोकाना थियरी, थियरी मो, मो एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरी के पुराने मित्र के रूप में, डेविड मॉर्स के पूर्व सियाई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में रूथ नेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरितबल यू जो डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब सबका कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग हैं फर्स्ट सॉन्ग फिला डेलीफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा सात तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री फिफ्थ सॉन्ग

इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के प्रवेषक गैरीलैंड और उनके परिवार के लिए जीवन संत दोषप्रद तो लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नस मज लाश में बदल दिया है बमूसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में अराजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है। वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गैरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों शहरों सर, के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताज़ा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को, लोगों को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान धान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरी लेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फ़िलाडेल्फ़िया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबी जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमोटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहीस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इजराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दर्शवे आदमी के पास एक अस्पष्ट भारतीय महामारी खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार यरूशलेम को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखे चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल डू कोडार्ड डेविड लिडे लॉफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाह जे माइकल स्ट्रेजिस की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड पिट डे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स बेस्टेल मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दिए है बेन एडिट की है रॉगर बार्टोन मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमशेर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पर माउंट पिक्चर जून टू टू थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सिनेमाज और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर मिली फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट एनोस कैरिन लेन गैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेजटेल लुदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मोकान फाना मोकाना थियरी थियरी यूमोथेन एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो बैक के रूप डब्ल्यूएच डॉक्टर के रूप में नेगा डब्लूएच डॉक्टर के रूप में मोरिटज़ बल बेट्टियों डबल यूज़ और डॉक्टर के रूप में डबल यूज़ डॉक्टर के रूप में पीटर कैपिलिट यही सब क्रिश्मूवी कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवेंस सॉन्ग्स फर्स्ट सॉन्ग फिलाडेलीफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा सात तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर सेकंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग अन एनजे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोच मेल क्लास इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकंड सेवेंथ सॉन्ग सॉपना इसका टू मिनट फोर्टी नाइन सेकेंड एट सॉन्ग नो टिट नो बाइट इसका लेंथ है थ्री मिनट ट्वेंटी फाइव सेकंड नाइन्थ सॉन्ग मोच द्वारा इसका लेंथ है फोर मिनट ट्वेंटी फोर सेकंड टेंथ सॉन्ग वेल्स इसका लेंथ है फाइव मिनट ट्वेंटी टू सेकेंड एलेवेंथ सॉन्ग एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका लेंथ है फाइव मिनट एट सेकेंड इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जौम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गेरी गेरीलैंड और उनके परिवार के लिए जीवन संतोषप्रद लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नस, मज, में बदल लिया है। अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक ट्रैक है जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले खतरों और, गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में जकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूतपूर्व महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले सरों के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोग जनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताजा पुनजीवित मरे हुए लोग को, लोगों को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में सेवना सेवा निवृत्त होने के बाद गैरिलेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडिफिया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी कि अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबीज जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थियरी ओमोटोनी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहाँ एक दुष्ट सी आई ए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर इज़राइल के लिए एक विपरीत आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी के खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाड को इससे आगे निकलते देखें चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वॉर जेड टू की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए मैथ्यू माइकल कनहारन डू कोडार्ड डेविड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनहारन जे माइकल स्ट्रेजिस की और इसे बेस्ट और वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेडपीट मेरिल एनोस जेम्स बेस्टेल में थी फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन शेरसिन एडिट की है रॉगर बर्टोन मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्टरामी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर एडिटेड है जूंग टू तू, टू तू, थाउजेंड थर्टीन सिनेमा और रनिंग टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 19... वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर्टी मिल फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल कैरिन लेन गैरी लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डैनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन स्पीक के रूप में जेम्स बेस्टेल लूदी बोकेन के रूप जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ प्रशिक्यूमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना मोकान फाना मोकाना थियरी थियरी योमोथेन मु, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गैरीलैन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस केबल एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू यू एच डॉक्टर के रूप में रुथनेगा नेगा एच डॉक्टर के रूप में मोरितजे डबल यूज डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सब मूवी चलिए है तो इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी है, में टोटल इलेवन सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग फिलाडेल्फिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग सात तो इसका लेंथ है टू मिनट फिफ्टी फोर सेकंड फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका लेंथ है फाइव मिनट थर्टी थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग अन जे मार्ट इसका लेंथ है फोर मिनट वन सेकेंड सिक्स सॉन्ग कोच मेल क्लास इसका लेंथ है थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड सेवेंथ सॉन्ग सॉप इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी नाइन सेकेंड एट सॉन्ग नो टिट नो बाइट इसका लेट ट्वेंटी फाइव सेकंड नाइंथ सॉन्ग मोच द्वारा इसका लेंथ मिनट ट्वेंटी फोर सेकंड मिनट ट्वेंटी टू सेकेंड एवन सॉन्ग एक चट्टान के चारों और एक नदी की तरफ इसका लेंथ है फाइव मिनट एट सेकेंड इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कर्मचारी गैरी लेन एक जॉम्बी महामारी को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में दुनिया का पता लगाते हैं जो सेनाओं और सरकारों को गिरा रही है मानवता को नष्ट करने की धमकी दे रही है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक गेरी लैन और उनके परिवार के लिए जीवन संतोषप्रद लगता है अचानक दुनिया एक रहस्यमय संक्रमण से तस्त है जिसने पूरी मानव आबादी को उग्र नाश में बदल दिया है बमसिकल अराजकता से बचने के बाद लेने को इस बीमारी की जांच के लिए एक मिशन पर जाने के लिए राजी किया जाता है इसके बाद दुनिया भर में एक खतरनाक है, जहां मानव सभ्यता के गिरने से पहले लेने को भीषण खतरों और लंबी बाधाओं को दूर करने के लिए जवाब खोजने होंगे जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन और उनका परिवार शहरी गतिरोध में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं है उसके संदेह की पुष्टि तब होती है जब अचानक शहर में अराजकता फैल जाती है एक घातक वायरस जो एक काटने से फैलता है स्वस्थ लोगों को सातिर अविवेविक और जंगली में बदल रहा है जैसा कि महामारी ने मानवता को नष्ट करने की धमकी दी है गैरी संक्रमण के संतोष को खोजने के लिए दुनिया भर में खोज करता है और भाग्य के साथ इसके प्रसार को रोकता है वैश्विक अनुपात की एक भयानक और अभूत महामारी जो मनुष्य को पागल मांस खाने वाली लाश में बदल देती है दुनिया को आश्चर्यचकित करनी है इन परिस्थितियों में सेना वृत्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंट गेरी लेन को एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन एक पत्नी और दो बेटियों को पीछे छोड़ना होगा जो एक इलाज खोजने के लिए एक मिशन पर वैज्ञानिकों की एक टीम को एस्कार्ट करने के लिए जॉम्बी झुंड वालों सरले शरों के माध्यम से नेविगेट करना होगा हालांकि जैसे जैसे घातक रोगजनक पूरे क्षेत्र को मिटा देते हैं लगातार ताज़ा पुनर्जीवित मरे हुए लोग को रोगग्रस्त लोगों को जन्म देता है एक व्यवहार्य समाधान धान, खोजने की कमजोर आशा दूर होने लगी थी है क्या मानवता के पास चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है संयुक्त राष्ट्र के अन्वेषक के रूप में निवृत्त होने के बाद गैरिलेन अपना समय पत्नी गैरिन और उनकी प्यारी बेटी कॉन्टेस्ट और रेचल को फिलाडेलिफिया में समर्पित करते हैं जब तक कि वह यह विश्व स्तर पर फैलने वाली रहस्य महामारी की अगली साइड नहीं बन जाती है जो लोगों को रेमबीज जैसी लाश में बदल देती है उनके अनजान पूर्व प्रमुख उप महासचिव थिएरी उन्हें संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन टीम में याद करते हैं इस प्रकार पूरे परिवार को सुरक्षित हवाई वाहक पर सवार होने की पेशकश करते हैं गैरी सेना के दिग्गजों के साथ गोरिया में टोहिस में शामिल होते हैं जहां एक दुष्ट सीआईए एजेंट का सुझाव बेकार साबित होता है फिर जराइल के लिए जहां एक मोशाद विपरीत दर्शवे आदमी के पास एक स्पष्ट भारतीय महामारी के खतरे का जवाब देने के लिए एक दीवार को खड़ा करने की दूरदर्शिता थी एक मरे हुए बाढ़ को इससे आगे निकलते देखें। चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में वर्ल्ड वार जेड टू थाउजेंड थर्टीन की अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्क फोस्टर और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं मैथ्यू माइकल कडॉर्न डू कोडार्ड लिडे लोफ और इसे स्टोरी दिए हैं मैथ्यू माइकल कनाहर्न जे माइकल स्ट्रेजिश की और इसे बेस्ट ऑन वर्ल्ड वाइजेड बाई मैक्स ब्रूक्स और प्रोड्यूस की है ब्राड ब्रेड डे डेडे कॉर्डनर जेरेमी कॉलेनर इयान ब्राइश और इसे स्टारिंग दी है ब्रेड पीट मेरिल एनोस जेम्स मैथ्यू फॉक्स और इसे सिनेमोटोग्राफी दी है बेन सेरसिन एडिट की है रॉगर मैट मैटिस और म्यूजिक दी है मार्को बेल्ट टमी और प्रोडक्शन कंपनी स्काई डांस प्रोडक्शन हेमिशफेयर मीडिया कैपिटल जी के फिल्म प्लान बी इंटरटेनमेंट टू डी यू एक्स डिस्ट्रीब्यूट किए है पर माउंट पिक्चर रिटेड जून टू टू थाउजेंड थर्टीन एम्पायर सिनेमाज और टाइम है वन सिक्सटीन मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है वन नाइनटीन सेल टू सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर्टी मिली फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर और इस मूवी को कास्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं गैरी लेन के रूप में ब्रेड पीट मेरिल एनोस लेन, लेन की पत्नी और राहुल और कॉनिक की मां के रूप में डेनियल कर्टेज सेजन के रूप में कैप्टन एसपी के रूप में जेम्स बेस्टेल लूदी बोकेन के रूप में जो ग्रेन वार्ब्रन के प्रमुख के रूप में एक यूएसएफ परेशमैन के रूप में मैथ्यू फॉक्स फाना, मोकान, फाना मोकाना थियरी, थियरी मो, मो एक संयुक्त राष्ट्र के रूप के उप महासचिव और गेरीलेन के पुराने मित्र के रूप में डेविड मोर्स के पूर्व सीआई अधिकारी के रूप में एलिस एडियोफास एडियो फास, फास बैक के रूप में डब्ल्यू यू एच डॉक्टर के रूप में रुथनेगा डब्ल्यू एच डॉक्टर के रूप में मोरित डबल यू जे ओ डॉक्टर के रूप में डब्ल्यू जो डॉक्टर के रूप में पीटर कैपलेट यही सबका कष्ट किए हैं चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं इस मूवी में टोटल इलेवन सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग फिफिया इसका लेंथ है फोर मिनट थ्री सेकेंड सेकेंड सॉन्ग लेन परिवार इसका लेंथ है टू मिनट फोर्टी सेवन सेकेंड थर्ड सॉन्ग निंजा नीजा इसका फोर्थ सॉन्ग सुराग की तलाश इसका फाइव मिनट थर्टी थ्री थ्री सेकेंड फिफ्थ सॉन्ग

इस टोटल सॉन्ग का लेंथ है फोर्टी फोर मिनट नाइन सेकेंड तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस